क्वेश्चन है हाँ मेरा कि जी जैसे हम कहते हैं कि गुड लीडर्स रीच हायर, मतलब दे सोर, दे अटेन गुड सक्सेस, बट आफ्टर दे, सपोज एक हम कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे अच्छा नंद कुमार पटेल इज अ गुड लीडर, ठीक है, ही एक्सेल्स एंड ही बिकम्स अ बॉस. तो इज इट लाइक कंपल्सरी फॉर अ बॉस टू बी अ गुड लीडर? लाइक कैन अ बॉस बी अ लीडर एंड कैन लीडर बी अ बॉस? लाइक आर दे पॉसिबल वाइस वर्सा, और कोई एक कंडीशन ट्रू है, कोई एक कंडीशन फॉल है, फॉल्स है, या फिर ऐसा है कि किसी किसी सिनेरियो में कोई कोई कंडीशन सही है या कोई कोई कंडीशन फॉल्स है? वैसे प्रश्न बहुत अच्छा है, सीरियसली आई डू अप्रिशिएट दिस आल्सो। सबसे पहले समझना पड़ेगा लाइक द डिफरेंस बिटवीन द बॉस एंड लीडर, तब जाके इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सी लाइक लीडर हमारी नीड है, एक ग्रुप की नीड होती है लीडर, और बॉस की और जो ग्रुप है वो बॉस का नीड है, यानी बॉस को ग्रुप चाहिए, देन ओनली ही कैन लाइक वो तभी जाके उसको रेगुलेट कर पाएगा। बॉस की जब हम बात करते हैं सो देयर इज अ रोल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोल ऑफ लीडर एंड बॉस है। बॉस में बॉस इज मोर अबाउट लाइक रिपोर्टिंग, ओके, लीडर इज मोर अबाउट लाइक गाइडिंग। बॉस को एनालिसिस करना होता है, उनको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, उनको प्रोडक्टिविटी दिखाना है, एंड ही इज कमिटेड टू द हायर अथॉरिटी, उसके ऊपर जो है उनके लिए वो कमिटेड है, अपने ग्रुप के लिए कमिटेड नहीं है। बट जब हम लीडर की बात करते हैं तो वी आर गोइंग इन डाउन, हम उसके पूरे हायरार्की में नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ नहीं देखते, राइट। सो ये दोनों का जो नेचर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इस तरीके से कि एक ग्रुप में एक लीडर होना आवश्यक है और एक बॉस के लिए एक ग्रुप होना आवश्यक है। इसको जो आप पहले बता रहे थे, जो बॉस और लीडर, एक बार इसको प्लीज रिपीट करिए. श्योर। तो इसमें ऐसा है कि जो बॉस बॉस है, बॉस को अपने हायरार्की में ऊपर देखना है, ठीक है, लीडर को अपने हायरार्की में नीचे देखना है, ये कंपल्सन है उनके लिए किस किस एस्पेक्ट में ऊपर देखना है, बस कॉर्पोरेट पता के, नहीं ना, कॉर्पोरेट के हिसाब कॉर्पोरेट. से। हाँ कॉर्पोरेट के हिसाब से देखा जाए तो ओके. जब जब कभी भी आपको कोई एक ग्रुप दिया जाता है, उस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, तब आपको एक लीडर बनाया जाता है। तो लीडर में आपके पास में बस ये दिया जाता है कि आप ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनके बीच में दोनों लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छा बना के रखेंगे और काम सक्सेस हो जाए, इससे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। पर जो ठीक बॉस है, होते हैं, जो बॉस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम एनी हाउ वहाँ पे हो जाना चाहिए और इसकी रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटी को जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे कमिटेड है, उसको जवाब देना है। सो नेचर में ये जो बेसिक डिफरेंस है यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब बात ये है कि हम लीडर और बॉस को कॉर्पोरेट में एक ही देखते हैं, एग्जैक्टली. वो इसलिए देखते हैं एक क्योंकि कॉर्पोरेट चाहता है कि उनके कम से कम लोगों में काम हो जाए ताकि सैलरी बच जाए उनका, एक बात। दूसरी बात ये कि हर एक कॉर्पोरेट चाहता है कि उसका बॉस के उसकी बॉस के अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी हो, बट ठीक. याद रखने वाली बात है कि बॉस के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, लीडर के अंदर बॉस की क्वालिटी नहीं। बट ये जो डिफरेंस है, ये उनका जो सोचने का पर्सपेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आदमी जो पर्सन बॉस के रूप में वहां पे है वो कमिटेड रहे अपने हायर अथॉरिटी के लिए, तो ये उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है और कंपल्सन हो जाता है। लीडरशिप जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी में चला जाता है। अगर बॉस लीडरशिप नहीं अच्छे से निभा पा रहा है तो एटलीस्ट उसके टीममेट्स में कोई ऐसा हो जो बॉस के साथ अच्छा तालमेल बैठाए और उसके टीम को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखे। तो बॉस जो जो अच्छे लीडर और बॉस दोनों होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, जो बहुत अच्छे लीडर नहीं हो पाते लेकिन बहुत अच्छे बॉस होते हैं वो एक लीडर ढूंढ लेते हैं, जिसको आम तौर पे मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए पर आमतौर पे हम चापलूस बोल देते हैं। समझ गया. हाँ तो ऐसे ऐसे लोग वो ढूंढते हैं, वो इसलिए नहीं ढूंढते कि उनको चाहिए उनके बड़ाई करने वाला, वो इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उनकी जरूरत है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक टीम बिना लीडरशिप का नहीं चल सकता, और एक बॉस को टीम की जरूरत है। तो जब टीम बॉस की जरूरत बनी हुई है तो बॉस को चाहिए होगा एक लीडर, या तो अपने अंदर पैदा कर ले या उस टीम में से कोई एक ढूंढ ले। ठीक है. तो अगर अच्छा टीम, अच्छा बॉस, अच्छा टीम लीडर दोनों बन गया, अच्छा लीडरशिप भी उनके पास है और अच्छा बॉस भी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो बॉस को जरूरी है कि वो एक अच्छा लीडर चुने उस ग्रुप से उसके साथ, क्योंकि लीडर हमेशा अपने टीम का देखभाल करेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करेगा।
ठीक है, इसलिए 1% कुछ कुछ क्वेश्चन है। अब जैसे होता है कि आप नहीं पढ़ते हो तो सवाल नहीं होते हैं, अगर आप पढ़ लेते हो तो ज्यादा सवाल होते हैं, और जैसे कुछ कुछ जो धागे हैं वो खुल रहे हैं। तो दो सवाल है मेरे, पहला छोटा सवाल पूछता हूँ कि एक चीज जो हमने देखी है वो ये होती है, अगर हम छोटे लेवल पे देखें, शायद बड़े लेवल पे भी उतना ही होता है, कि कंपटीशन इन लीडरशिप, तो वो सही है या गलत है? पता ये मतलब इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा, और मैं चाहता था कि इस तरीके का सवाल हो जहाँ पे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर सके। बहुत मजेदार है, इसको सोचने वाली बात है कि जब आप कॉम्पिटिशन लीडरशिप के अंदर में देखते हो ना, तो पैरामीटर चेक करना पड़ता है कि कॉम्पिटिशन कौन से पैरामीटर में चल रहा है, फेस वाला लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग वाला लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लीडरशिप या अप्रिसिएशन वाला लीडरशिप। कॉम्पिटिशन अप्रिसिएशन फेस रिकॉग्निशन में होता है, डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कभी नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेता है जिसकी कैपेसिटी होती है। अगर पूरी टीम फेल हो गया मेरा, वो वही जाके वहां पे बोल सकता है कि मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी गलती थी, जिसके अंदर गट रहेगा और 10 लोगों की बात सुन सकता है, गाली सुन सकता है, और कितने दिनों तक लोगों का हेटर झेल सकता है। तो ये गट जो है ना, जिसके पास होता है उसको कॉम्पिटिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ऐसे ही खाली सामने दिख जाता है। जो रियल कॉम्पिटिशन होता है, जिसको हम कॉम्पिटिशन समझते हैं, वास्तव में वो कॉम्पिटिशन इसलिए बना क्योंकि एक माइंडसेट अभी चला हुआ है। वो माइंडसेट क्या है कि हम लीडरशिप को नंबर से कंपेयर करते हैं, इफेक्ट से कंपेयर नहीं करते, और ये वास्तव में बहुत गलत चीज है, बहुत बुरी चीज है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मिसलीड होते हैं। द लीडर हु इज लीडिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन इज मिसलीडिंग यू एंड दैट पर्सन इज नॉट अ लीडर। ये चीज समझना जरूरी है, जो हम अक्सर मिसलीड हो जाते हैं, और वो बेचारा भी मिसलीड है जो अपने आप को लीडर समझ रहा है, हजार लोगों के सामने खड़े होके जो सोच रहा है 1000 मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी बात मानेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेंगे, वो खुद अपने आप को मिसलीड कर रहा है। इस बात को समझ के कि जिन लोग अगर दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग कि 1000 लोग वर्सेस 5 लोग, इससे एक कहानी की याद आती होगी, महाभारत, राइट? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 1000 लोग वर्सेस 5 लोग। अब ये 5 लोग सक्सेस हो जाते हैं इसे 1000 के कंपटीशन में, बताओ, ये समझने वाली बात है। यानी नंबर से कुछ नहीं होता भाई साहब, डिसीजन मेकिंग, थॉट प्रोसेसिंग, राइट टाइम पे डिसीजन लेना, राइट इंफॉर्मेशन गैदर करना, द वे क्या है इंफॉर्मेशन का वो लेके आना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टाइम के कंसर्न में डिसीजन मेकिंग करना। कुछ लोगों के गट्स नहीं होते डिसीजन मेकिंग के, पर कभी कभी वो ऐसे सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कर जाते हैं जिस टाइम पे उनको करना चाहिए, और फिर वो लोग लीडर बन जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस सिचुएशन आपको बनाता है। मतलब ट्रूली आई एम टेलिंग यू कि लीडरशिप इज जस्ट अ नेचुरल थिंग, इट इज नॉट अबाउट कि आपको सीखना, समझना, कुछ कॉपी करना है, कुछ साइंस से कुछ पढ़ना है। इट इज जस्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ इन अ वे कि आप किधर बेहतर हो। एवरीवन इज अ लीडर, राइट? सबका अपना इंडिविजुअल लाइफ है, एंड एवरीवन इज लीडिंग हिज और हर लाइफ इन देयर लाइफ। अपने लाइफ में वो अपने लाइफ को कम से कम लीड तो कर ही रहे हैं। विदाउट लीडरशिप यू कांट लीड, एक कदम नहीं चल सकते आप, यू आर मेकिंग अ डिसीजन। सो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हेन वी आर हैविंग अ टीम, उस टीम में मैं किस चीज के लिए एक्सपर्ट हूँ जिसके थ्रू मैं बाकी लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, दैट कुड बी अ वे ऑफ लीडिंग देम, एंड यू आर अ लीडर फॉर दैट एरिया। किसी को हेल्थ के लिए बात करनी है, द पर्सन हु इज मोर कॉन्शियस अबाउट हिज और हर हेल्थ, दैट पर्सन कैन गाइड दोज पीपल, उन लोगों को गाइड कर सकता है, राइट डायरेक्शन में लेके जा सकता है, दैट पर्सन इज अ लीडर फॉर दैट सेक्टर। वो द सेम वे, वही मैंने पहले बोला ना कि रक्षा मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय लीड करने के लिए दे देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी फिर वहां पे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप डिसीजन मेकिंग करो, पर कहां करना है ये आपको देखना है, और नंबर से कोई मतलब नहीं। उन 5 लोगों को एक लीडर सही जगह लीड करके लेके गया, वो सक्सेस हो गए। इन 1000 को एक लीडर गलत जगह लीड करके गया और ये मर गए, फेलियर हो गए। आज तक सब गाली देते रहते हैं उन बेचारों को। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर। अब ये है, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो इससे ना बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। जो लोग नंबर इकट्ठा करने के चक्कर में अपना इतना एफर्ट लगा देते हैं, वो कम लोगों के साथ भी अच्छा काम करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। और लीडरशिप के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत ये है
कि एक आदमी जो 1000 लोगों को लीड करता है और एक आदमी जो 10 लोगों को लीड करता है, इन दोनों में सक्सेस रेट जो है 10 लोगों का सबसे ज्यादा होता है। यानी स्मॉल टीम को लीड करना आसान है, उनको जल्दी सक्सेस कराया जा सकता है। सो 1000 के लोगों में हमें हर 10 पर एक लीडर चाहिए। यानी आप नंबर को मत देखिए, जरूरत को देखिए, और उस जरूरत को आप पूरा कर सकते हो तो आपको लीडरशिप करना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, वरना झूठ मूठ के जबरदस्ती का मगजमाजी करने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्त, लीडरशिप में क्या रखा हुआ है, जीना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये ज्यादा जरूरी है हमें समझना, और लीडरशिप की जरूरत हर जगह पड़ती है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो समझना चाहिए। पर ये जो नेचुरल चीज है ना, दिस इज लाइक अ नेचुरल गेम, इसको हम भूल रहे हैं, इसको हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी जनरेशन, हमारे पहले की जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन सभी तबाह रहेंगे, परेशान है इस चीज को। अच्छा, हम इतनी बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन। ठीक है, एक 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 तो होता है आपका कॉन्शियस, ठीक है, एक चीज आपको लगती है कि ये चीज सही है, ठीक है, लेकिन कि अब जैसे मैंने कोई डिसीजन लिया, वो मुझे तब तो सही लग रहा था या मुझे सही लग रहा था। दो तरह के डिसीजन लेते हैं अपन, एक लेते हैं परिस्थिति के हिसाब से, एक लेते हैं अपन समय के हिसाब से, ठीक है। तो हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन टू बी अ गुड लीडर, वेरी ट्रू, बहुत सही क्वेश्चन है। और इसके इसके लिए ना मैं एक मतलब दो वर्ड यूज करना चाहूंगा, मतलब आप इसको ध्यान से सुनिए, एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ठीक है, या तीसरा जो है वो कंफ्यूजन है। ओके, सो कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन, ये तीन लेवल है जो आपको आपके डिसीजन को राइट और रॉन्ग बनाते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो, आप राइट हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो 50-50 चांसेस है, कंफ्यूजन हो तो गया, फिर तो आप डिसीजन नहीं लो, यू जस्ट लीव दैट। आपको नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि उसके नहीं करने से आपको नुकसान, उसके करने के बाद होने वाले जो उसका वो रहेगा, आउटपुट रहेगा, उससे ज्यादा है तो आप कर दो, करने के बाद जो नुकसान होगा वो बेहतर। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू ऐसे ही नहीं मार करेगा, उससे अच्छा है वहां पे युद्धभूमि में मर जा, कम से कम स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यानी वो वाला नुकसान जो है पहले वाले नुकसान से कम था। ऐसे भी नुकसान होना है तो कम नुकसान वाला चुनना चाहिए। तो ये चीज है, ये तीन चीज को बड़ा बेहतरीन हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंट है, दुनिया गलत भी बोल रही है, दैट इज अ राइट डिसीजन, यू मस्ट गो फॉर इट। क्योंकि कॉन्फिडेंस ना, मतलब कॉन्फिडेंस दो तरीके से आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है सपोर्ट से, अंडरस्टैंड कॉन्फिडेंस का, एक आता है सपोर्ट से, लाइक यू हैव 5 मेंबर्स, आपको चाहिए कि कबड्डी टीम में मुझे 5 मेंबर चाहिए था, आपको 5 मेंबर मिल गए, यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं मैं कबड्डी टीम बना सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरा आता है कैपेसिटी, सपोर्ट एंड कैपेसिटी। अब कॉन्फिडेंस जो है इन दोनों पे ना इधर से उधर डोलता रहता है। आपका कॉन्फिडेंस तब डगमगा जाएगा जब आपका सपोर्ट ढीला पड़ जाएगा, जब या आपकी कैपेसिटी ढीली पड़ जाएगी। पर इन दोनों में समझना ये है कि कैपेसिटी आपके लिए ज्यादा क्लोज है या सपोर्ट आपका ज्यादा क्लोज है। यानी कैपेसिटी आपका इनर पावर है, दैट इज मोर क्लोज टू यू। तो अगर आप सपोर्ट को प्राइमरी फैक्टर रखोगे तो वहां पे डिसीजन गलत होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर आप अपने इनर पावर को, यानी अपनी कैपेसिटी को प्राइमरी फैक्टर रखोगे तो वहां पे डिसीजन आपके लेने के, जो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो बाहर का सपोर्ट और अंदर का सपोर्ट को समझना पड़ता है, आप किस पे कितना रिलाय हो, किस जगह पर किसकी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से। और भाई एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता, डिसीजन परसेंटेज में राइट और रॉन्ग होता है। यस, अच्छा, एक डिसीजन गलत है या सही है ये बोलना गलत है। अगर आप बोलते हो कि मेरा डिसीजन गलत था, दिस इज रॉन्ग, या आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, मेरा डिसीजन 50% गलत था, 30% गलत था, 20% गलत था, 40% गलत था, दिस इज राइट, ये स्टेटमेंट सही है। आपने डिसीजन लिया क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी थी, उसके सक्सेस रेट था, और वो सक्सेस रेट ही बताएगा डिसीजन सही था या गलत था। 30% मेरा सक्सेस रेट था, मतलब 30% मेरा डिसीजन सही था, 70% मेरा सक्सेस रेट नहीं था, मतलब 70% मेरा डिसीजन गलत था,
फिर भी अगर आपने डिसीजन लिया, इसका मतलब वो फैक्टर रिस्क में चला जाता है। आप डिसीजन को ब्लेम नहीं कर सकते हो गलत था या सही था। आपने बोला कि इस डिसीजन ले रहा हूँ लेकिन 70% मैं रिस्क में हूँ इस डिसीजन की वजह से, और ये गट में रखता हूँ तो मैं लेने जा रहा हूँ। इट्स गुड कि गट्स की बात है, डिसीजन की बात नहीं है। यू आर राइट एट दैट पॉइंट। इस चीज ने मेरे अंदर की काफी सारी गिल्ट को निकाल दिया एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी जिस पॉइंट पे हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस समय काफी सारे ऐसे डिसीजन ले रखे जो बहुत रिस्क पे हैं, और उनके उनके सक्सेस फैक्टर यही 70-80, 70-30 और 60-40 के बीच में लटक रहे हैं, लेकिन मैं उस डिसीजन को लेके बैठा हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये चीज पूछी थी जो कॉन्फिडेंस वाली बात थी। वेरी ट्रू। और मैं आप एक बहुत सीक्रेट और मजेदार बात बताता हूँ डिसीजन को लेकर, वो ये कि जो लोग कम रिस्क के डिसीजन लेते हैं ना, उनका ग्रोथ का चांसेस बहुत कम होता है, और जो ज्यादा रिस्क वाले डिसीजन लेते हैं ना, उनके ग्रोथ का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इट इज सिमिलर लाइक कि आप बहुत ही हाई इलास्टिसिटी वाले रबर से अपने आप को बाइंड कर रहे हो कि अगर सक्सेस हुआ तो बहुत दूर ले जाके फेंकेगा। हाँ, दैट यू आर मेकिंग, इट इज द वे ऑफ बिल्डिंग योर सेल्फ, लाइक यू आर बिल्डिंग। अगर उसको गिल्ट की तरफ ले जाएंगे ना, तो वो जो ब्लॉक आपने बिल्डिंग के लिए बनाया इतने बड़े बड़े रिस्क लेके, अपने आप को इतने ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाल के, वो ब्लॉक कहीं और फेंक दिए जाएंगे। उस रिस्क लेने के कैपेसिटी को, उस गट्स को अपने अंदर कॉन्फिडेंस के रूप में रखो, चाहे आपका डिसीजन गलत हो या सही है। दैट इज यू, यू हैव टू दैट डिसीजन इन सच अ वे कि अब सोचो आपने अपने लाइफ को, Have you ever took kind of decision की जिसमें आपको लगा हो कि आपने अपने life को risk पे डाल दिया? मैंने ऐसा decision हाँ लिया है। मतलब ये कि that is your guts और वो आपका limit है। अभी तक आपने ये limit set किया हुआ है। So keep your mind at that level कि life में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने जान को भी लगा सकता हूँ भाई। ये मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं already एक दो बार कर लिया है। अच्छा, अगर उसके बाद आपको loss होता है फिर? It's okay, जान का नहीं। हाँ, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ डिसीजन लेने के बाद जो लॉस होता है वो हमारा रिजल्ट है, जिससे हमें प्रभावित नहीं होना है। डिसीजन लेना मेरा काम है, लॉस आया या प्रॉफिट आया ये मेरा काम नहीं है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो इट्स ओके, आपने डिसीजन लिया, लॉस आया। अब जैसे मान लो आप कभी बैलेंस शीट देखो, तो मुझे बैलेंस शीट की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, पता क्या? बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है स्टेटमेंट जब आता है, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पेपर आता है ना, मुझे उसके सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि उसमें आपको लॉस भी रहता है ना तो भी माइनस में, लेकिन अंक जरूर रहता है। लॉस है तो माइनस लगा रहेगा लेकिन अंक रहेगा। तो जस्ट थिंक कि अगर मैंने साइन को हटा दिया तो अंक मुझे दिख रहा है। इट इज जस्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लाइफ इज और एवरी टाइम लाइफ इज अप्स एंड डाउन, वो आते जाते रहेंगे। इट्स ओके, आपने कितना अपने आप को बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो उसके रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने मजबूत बने, कितने दमदार बने, कितने स्ट्रांग बने, कितने बोल्ड बने, कितने कॉन्फिडेंट बने, और जो भी आपने वहां से गेन किया है वो आपको कितना मजबूत बना रहा है। दैट्स व्हाई आई नेवर से एनीवन कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। कोई भी मुझसे बोलता है मेरा 3 साल वेस्ट हो गया, मेरा 2 साल वेस्ट हो गया, मैं कहता हूँ भाई आपने वेस्ट नहीं किया है टाइम, आपने इन्वेस्ट किया है। अब ये समझो कि जहां आपने लगाया तो वहां से जो लर्निंग आई है उसको अपने अंदर रखो। अब कोई बोले, कोई बच्चा बोले कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं तो बदमाशी कर रहा था, लोगों को पिटाई किया करता था, भाई तेरे अंदर में ये गट्स आ गया है कि तू अपने आप कहीं पे स्टैंड ले सकता है। अब वो स्टैंड लेने की कैपेसिटी आप अच्छे तरफ लगाओगे तो बहुत आगे जाओगे। तो द एक्सपीरियंस, वो जो एक्सपीरियंस आपको आया है उसको आपको सही जगह इन्वेस्ट, सही जगह लगाने की जरूरत है। सो कभी भी आपकी, आपने कोई डिसीजन लिया उससे आपका नुकसान हुआ, फायदा हुआ, वो आपके लाइफ को नेगेटिव की तरफ नहीं ले जा सकता है। अब तक नहीं ले जा सकता जब तक आप उसको नेगेटिव नहीं ले लो। वो लॉस में माइनस लगा था और मैंने सोचा माइनस की वजह से मेरा लॉस है, मेरे लिए लॉस है, मुझे लगेगा कि माइनस हटा देता हूँ, ये जो है ये मेरा रिजल्ट है, चाहे वो लॉस रहे चाहे प्रॉफिट रहे, दिस इज माय रिजल्ट एंड आई नेक्स्ट टाइम आई हैव टू टेक द डिसीजन इन सच अ वे कि ये वाला सिचुएशन ना आए। सो आई विल बी इंप्रूविंग दैट विद द रेफरेंस ऑफ व्हाट आई डिड एंड हाउ इट बिकेम लाइक दैट। ठीक है, तो मान लीजिए एक लीडर कोई डिसीजन लेता है and he and his team faces a loss, how he is supposed to handle the team? क्योंकि जब आप लीडर होते हैं तो आपकी एक responsibility, एक accountability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बात यह है कि ये लीडर कौन वाला है, face वाला है या quality नहीं, वाला है? जिसने decision लिया है। हाँ, ये decision लेने वाला कौन है, वो face वाला है कि quality वाला है? Quality वाला है, face वाला है। Yes, अगर face वाला रहेगा तो वो तो निकल लेगा,
है ना, वो निकल लेगा, वो कहीं और गायब होगा। पर जो क्वालिटी वाला है, उस बंदे ने अगर डिसीजन लिया है तो जो पूरी टीम थी उस पूरी टीम के रेफरेंस में उसने डिसीजन लिया है। अगर नुकसान हुआ है तो पूरी टीम का नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई पूरी टीम करेगी। हाँ, बट ये लीडर है, इसने रास्ता दिखाया और लोगों को सही रास्ता नहीं दिख रहा था, इनको भरोसा करके लोगों ने रास्ता देखा है, तो जो पूरी टीम है वो इनके साथ स्टैंड बाई पे रहेगी, खड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो लीडर है क्वालिटी वाला है। बिलीव मी, आप जब भी क्वालिटी वाला लीडर बनोगे, आपके पीछे जितने लोग रहेंगे वो कोई भी आपको नोच कर खाने वाले नहीं मिलेंगे। दे विल बी स्टैंड बाई यू बिकॉज दे विल बी कनेक्टेड विद यू। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो लोग आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि सही वाले जो लीडर होते हैं ना उनके साथ वो लोग कभी नहीं रुकते जो उनके साथ नहीं चल सकते। सो दैट्स व्हाई द लीडर विल बी, वो लीडर जो है हर एक बंदा है उसके अंदर में ऐसा महसूस करेगा, हर एक बंदा जो उसके पूरी टीम में वो महसूस करेगा कि दिस इज द लॉस व्हाट दे मेड। हर एक बंदे को लगेगा कि मैंने लॉस करा दिया, मैंने लॉस करा दिया। बट उस टाइम पे लीडर होगा जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, बोलेगा लॉस हम सबका हुआ है, हम सब इसकी भरपाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम से बेहतर डिसीजन लेंगे। दैट्स इट। ओके, या तो कभी भी रिग्रेट और स्ट्रेस नहीं आता उस लीडर को। उस लीडर को स्ट्रेस और रिग्रेट आता है जो कभी भी पूछ कर नहीं लेता डिसीजन जो लोगों को समझ के नहीं लेता डिसीजन, अपनी मर्जी से ले लेता है तो उसको लगता है कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। वो तो बोलेंगे हमसे पूछ के गए, हमसे पूछ कर गए थे, हमसे पूछ कर किया था। सही है। अगर हम एक मोटा मोटी बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो शायद, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं ये आप बताइएगा, कुछ लोग हम ऐसा मानते हैं, कुछ लोग बॉन्ड लीडर होते हैं, कुछ लोग जो है एक्वायर करते हैं लीडरशिप, तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, इस पे आप लाइट डालिए। दूसरी चीज, इफ यू आर नॉट अ बॉर्न लीडर, ठीक है, व्हाट कंडीशंस या किस तरह से खुद को कंडीशन करना चाहिए। एक तो आपने डिसीजन मेकिंग वाली बात बताई, एक बताया कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करें, लेकिन मुझे लगता है उन सबसे भी पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक वो होता है कि हाउ यू शुड स्टेप अप, यू नो, क्योंकि आधे लोग तो शायद इसलिए पिछड़े जाते हैं क्योंकि स्टेप अप नहीं करते हो। वेरी ट्रू। तो इफ सपोज आई एम दैट पर्सन हु इज अफ्रेड टू स्टेप अप बट आई वांट टू बिकम अ लीडर, कैसे मतलब वो चीज मैनेज होगी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है? यस, और क्वेश्चन दोनों बहुत कनेक्टिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे सेशन का। मुझे अभी तक पूरे सेशन में ये जो सभी क्वेश्चन के सीरीज में ये जो दो क्वेश्चन हैं कनेक्टिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके देखिएगा, इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी। तो समझना ये है फर्स्ट कि कुछ लोग बॉन्ड लाइक बाय बर्थ लीडर होते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, दिस इज ट्रू। वो ऐसा कि लीडरशिप जो है ना वो एटीट्यूड के अंदर में होता है, वो जीन के अंदर में होता है, वो हमारे डीएनए के अंदर में होता है, वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर में आता है, जिसको संस्कार आप कह सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स बहुत गट्स वाले हैं, उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और अपने आप को सर्वाइव करके रखे हैं, अपने आप हमेशा से बना कर रखें, तो वो उनके डीएनए उनके जीन के अंदर में इस तरीके से बिल्ट हो जाता है। और ये साइंस प्रूव करता है कि आपकी आदतें आपकी हरकतें आपके जीन के अंदर चली जाती है। तो जब वो बच्चा आता है वो पेरेंट्स का पार्ट है, उनके जीन में भी वो चीज़ें रहेंगी, बट ये एक बीज के रूप में रहता है। सो बाय बर्थ कुछ लोग इसलिए लीडर आ जाते हैं, बन जाते हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके आसपास सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी उसके पेरेंट्स झेल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उस समय ही सीख जाता है। सो बाय बर्थ उसके पास वो बीज था, बट बहुत अर्ली स्टेज में उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। सो दिस इज यस, तो इन दोनों को समझना है, इसलिए मैंने बोला कनेक्टिंग है इसमें, ये कि उसके जीन में तो था, पर जब वो बर्थ होने के बाद जब वो चैलेंजेस फेस करने लगा और उसके लिए जब उसने उपाय ढूंढे, आसपास में देखे, तो सबसे पहले एग्जांपल उसके पेरेंट्स दिखे जो ऑलरेडी उसको कर रहे थे, तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो इसको मैं बाय बर्थ बोलना चाहूंगा, टेक्निकली आप बाय बर्थ इसको डायरेक्ट नहीं बोलोगे, बट मैं इसको बोलना चाहूंगा बाय बर्थ, क्यों, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में उसने सीख लिया। दूसरी बात आती है कि कुछ ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे बहुत सुख सुविधा रहती है और बच्चे को बहुत प्यार मिलता है, बहुत आराम मिलता है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको क्या कहते हैं हम चांदी के चम्मच लिए कुछ बच्चे आते हैं, बट उनको जब कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा नहीं हर एक पर्सन को ज़रूरत पड़ती है लीडरशिप की, और जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब उनको लगता है कि उनके अंदर में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब उनको पैम्पर करने वाले कोई नहीं है, या उनको पैम्पर की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। लीडरशिप की सबसे खास बात है
कि एक लीडर टीम से पहले अपने लिए स्टैंड लेता है। वो टीम के लिए स्टैंड लेने से पहले अपने लिए स्टैंड लेता है, वो पहले अपने आप को आगे लेके जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, रिस्क को लेकर कि हाँ मैं क्षमता मेरे पास है, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि अब मैं डिसीजन लूंगा, बाकी लोगों के लिए लूंगा। तो वो गट्स, वो पावर अपने अंदर, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर में आता है, उन लोगों के पास भी आता है, पर उसको सीखने का एक तरीका है। और वो सीखने का तरीका ये है कि आप अपने आप को कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हो। और अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान नहीं होता, मान लो कि आप बहुत सुख सुविधाओं में हो, आपके आसपास में सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको सारी स्थितियाँ बहुत सामान्य लग रही है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही संघर्ष करने की, फिर भी आप जब तक अपने आप को संघर्ष में नहीं रखते तब तक लीडरशिप आपके अंदर में नहीं आता। सो लीडरशिप को सीखने के लिए हमें अपने आप को, अपने जीवन को एक संघर्षमय जीवन बनाना जरूरी हो जाता है। एक लाइक आप ये कह लो कि आपको जद्दोजहद करनी चाहिए कुछ पाने के लिए, जो आपके लिए लगता है अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है। तो आप जितना ज्यादा चैलेंज फेस करोगे लीडरशिप क्वालिटी उतनी ज्यादा निखर के आएगी। ये सिंपल सा एक आपको सोल्यूशन में बताता हूँ और ये बहुत कारगर भी है। एक मतलब ये बिल्कुल रामबाण है कि अगर किसी के अंदर में आपको लीडरशिप लेके आना है तो आप उसको चैलेंजेस में छोड़ दीजिए। एक आर्ट ऑफ वार में एक बुक है, आर्ट ऑफ वार सुनजू का, उसके अंदर में वो बताते हैं कि अगर आपको बेहतर बने रहना है तो हमेशा युद्ध की तैयारी करते रहनी पड़ेगी, यानी वो सिचुएशन हमेशा अपने आसपास में बना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो एक अच्छा लीडर बनने के बाद भी आप भूल सकते हो, ये चांसेस है अगर आप ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाओगे। सो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्ट जोन वेयर यू कैन लर्न मेनी थिंग्स, एंड सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं बार बार। ये 1992 की बात नहीं है, आज 2020 का बात है। आज जो हमने सीखा, अगर आज के टाइम पे अगर आप अपने आप को लीडर बोल रहे हो, आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप ऐसा लग रहा है कि आप 10 साल बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 साल बाद भी आप लीडरशिप क्वालिटी रखोगे नो, तब तक ये लीडरशिप क्वालिटी आउटडेटेड हो जाएगी, तो आप फिर लीडर नहीं रहोगे। देन यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट्स वाई एवरी डे शुड बी इन सच अ वे कि आपकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। सो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो संघर्ष से आता है, और आप अनकंफर्टेबल जोन में जितना रहोगे, जितना संघर्ष आपके साथ होगा, जितना गहरा होगा, जितना कम चांसेस रहेगा आपका बचने का, उतना अच्छा लीडर आप बनोगे। आप देखिए, ये जस्ट एन एग्जांपल है, और आप अगर इसको देखोगे तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा इतिहास में, चाहे कहीं पे भी, जितने भी बड़े और अच्छे लीडर हुए हैं उन सब ने ऐसी जंग जीती है अपने आप से जिसमें उनके जीवन का बात आ गया है, मतलब उनके जीवन और मरण की बात आ गई है। वो लोग अपने जंग को जीते हैं और उसके बाद ही जाकर वो बहुत बेहतर लीडर बने। क्योंकि मैं ये आपसे इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं ऊपर होता कहीं और तो मैंने ऐसे सिचुएशन देखे हैं जहाँ पे मेरे सामने एक तरफ मेरी मौत थी, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी थी, और वो संघर्ष मैंने जब अपने अंदर में देखा तो उस समय से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो देर इज अ वे, देर इज अ विल, देर इज अ वे। ये चीज़ जो है ना, मैंने अपने लाइफ में उस टाइम पे महसूस कर लिया। मैं एक जगह पानी में डूब गया था पूरी तरीके से अंदर, और जो उसका नीचे का तल है वहाँ पे जाके मैं बैठ गया था। मैं आंखों के सामने हरा, पीला, नीला, हर तरीके का कलर आना शुरू हुआ। फिर मेरे पास्ट आने शुरू हो गया, मेरे पेरेंट्स के लाइफ के बारे में आ गया, और मैं ये सोचने लगा था कि अब मैं मर जाऊँगा, लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लोग रो रहे होंगे, मेरी अर्थी लेके जाएंगे, मुझे जलाया जाएगा, सारी चीज़ें दिमाग में आई। ऑल सडन मेरे दिमाग में एक बात आया, जबकि मेरा हाथ जो है वो तल मतलब तल में था, और ऑल सडन मेरे दिमाग में आया कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई शुड ट्राई, एटलीस्ट मरना तो ऐसे भी है, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मैंने जोर से ऐसे दबाया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि मैं बिल्कुल वहाँ से धीरे धीरे ऊपर आया, और एक बार जब मेरा सिर पानी के ऊपर आया तो मैंने सांस लेना शुरू किया और हाथ पैर मारना शुरू किया, और फिर मैं धीरे 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 वापस से किनारे आया, और किनारे आने के बाद मुझे जान में जान आई। और उस टाइम जो मेरा सिचुएशन था वो सिचुएशन ऐसा था, लाइक आई वॉज इन वेरी डीप साइलेंस, आसपास बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे, पर मैं कम्प्लीटली साइलेंस में था, और वो साइलेंस मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया अपनी लाइफ। और वो टाइम ऐसा था जिस टाइम पे मैंने ये महसूस कर लिया कि देर इज अ विल, देर इज अ वे। आप कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना चाहिए, अगर 1% क्या 0.1% भी बचा रहेगा ना, यू शुड ट्राई एटलीस्ट। हजार लोग क्या, यमराज भी आके अगर आपको बोल दे, भगवान भी आके बोल दे चल बेटा हो गया तेरा टाइम, तब भी एक बार ट्राई करने दो अगर मौका है। सो ये चीज़ अपने अंदर होनी चाहिए, और जब ये चीज़ अपने अंदर हो जाती है
तो मैंने देखा है ऐसे और भी लोग से मैं मिला हूँ जिनके अपने अपने लाइफ के मतलब मेरे अपने कॉन्टेक्ट में ही है, यहीं पे हैदराबाद में है। एक पर्सन से मैं मिला तो वो सऊदी अरेबिया में थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो पैसे कमाने के लिए गए थे अपने यंग एज में। तो वहाँ पे क्या हुआ, अच्छा उनको लेके गया जाया गया और किसी एक जगह पर उनको बंदी बना लिया गया और इनके ऑर्गेन्स को बेचने की बात। तो वो पर्सन थे कि उनको पता था कि उनसे पहले बहुत लोगों का ऑर्गेन बेच दिया गया है, उनको वहाँ पे बंदी बना दिया गया, 7 दिनों तक कुछ खाना पीना उनको नहीं दिया गया, 7 दिनों तक कंटिन्यूसली विदाउट खाना और पीना उनको कुछ नहीं दिया गया। उनको एक लेडी जो वहाँ पे सफाई करती थी वो आती थी जाती थी, उनको पता था कि यहाँ पे ऐसा काम होता है। आई तो ये भी तेलुगु थे वो भी तेलुगु थी, उन्होंने बोला, इनसे बातचीत की ऐसी नॉर्मली ढीले ढीले बातों में आवाज में, तो उनके पता नहीं मन में क्या क्या, और इनको था ये चाहते थे कि मुझे बचना है, चाहे कुछ भी है, थोड़ा सा छोटा सा तिनका भी मिल जाए तो मैं बच जाऊंगा, मुझे निकल लेना है यहाँ से। तो इन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा था, अपना व्हील जो है उसको डाउन नहीं किया था। सो देयर इज अ व्हील, देयर इज अ वे। उस लेडी ने उनको खोल दिया और वो कैसे करके वहां से भाग निकल आए, और बोलते भी है कि वहां से भाग कर आज तक कोई आया नहीं था, और वो भाग कर आए वापस चले आए इंडिया भी, आज यहीं पे बिजनेस भी कर रहे हैं और 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस का खुद मालिक है वो भी। और उन्होंने मुझे सिचुएशन या कहानी सुनाई, तो मुझे सीरियसली ऐसे लोगों से सुनने को मिलता है कि आपको ये याद रहना चाहिए अपने लाइफ में कि अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी चांस बनता है पॉजिटिव, तो शुड होल्ड इट। पॉजिटिविटी को कभी आप कभी 50-50 पे कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। इफ देयर इज अ लिटिल बिट रेज कमिंग इनसाइड माय हाउस मींस देयर इज लाइट आउटसाइड। अगर एक रे भी मेरे घर में अंदर आ रहा है मतलब प्रकाश बाहर है, एंड आई हैव टू फाइंड द वे टू रीच देयर। आपको खोजना पड़ेगा रास्ता वहां पहुंचने का, और अगर आप चाहते हो तो ये चाहत कभी नहीं हटानी चाहिए, अपने विश अपने अंदर विल पावर बना के रखना चाहिए। सक्सेस इज योर्स, इट मे टेक टाइम बट इट इज योर्स, सो दैट इज फॉर यू। आपको जाना है लेना है, और ये लीडरशिप के अंदर में होती है, ये गट्स लीडरशिप के अंदर में चाहिए, और वो तभी मिल पाता है जब आदमी संघर्ष अपने लाइफ में देखते हैं। देयर इज ओनली 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 अ वे, देयर इज नो अदर वे। कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगा आपके विदाउट पुटिंग योर सेल्फ इन द रियल टाइम अनकंफर्टेबल जोन वाली बात या ऐसे संघर्ष वाले सिचुएशंस में, और रियल टाइम होने चाहिए। अगर आपको अपने आप को लीडर बनाना है, आप चाहते हो कि आप बेहतर लीडर बनो, जिन लोगों के लिए जिस डेमोग्राफी के लिए आप लीडर बनना चाहते हो उस डेमोग्राफी में उन लोगों के साथ रहो, वहाँ की समस्याओं को देखो, खुद झेलो जबरदस्ती। चाहे आप अंबानी के घर में सॉरी मतलब किसी भी बड़े व्यापारी के घर में आप पैदा हो, चाहे किसी भी जगह पे आप कहीं पे भी आप जन्म ले, अगर आपको लगता है कि आपको लीडरशिप सीखना है, तो जिसके लिए आपको लीडरशिप सीखना है, जिन लोगों के लिए आपको लीडरशिप समझना है, अपने आप को लीडर बनाना है, उन लोगों के साथ रह के उनकी हर एक चीज़ों को महसूस करना, अपने आप को उस सिचुएशन में रखना, उसकी सबसे वॉस से वॉस सिचुएशन में अपने आप को रखना और वहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश करना ही आपको लीडर बना सकता है, वही आपको बेहतर लीडर बना के सिखा के बता सकता है। अदरवाइज देर इज नो फार्मूला, देर इज नो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड अब भले ही लोग कितना भी कुछ कह ले, बट आई विल नॉट सपोर्ट देम कि हाँ आप बोलो कि हाँ आपको लीडरशिप दिखा देंगे, बट दैट विल बी अ कम्प्लीटली खोखला। You will get a certificate, nothing more than that. The real leader is this is the way of generating real leaders. And अभी मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है कि like in more of the training program, people are focusing on gaining attention. लोगों का attention कैसे लें, अपने तरफ कैसे खींच कर रखें, अपना चेहरा लोगों को कैसे दिखाएं, इस पर ज़्यादा focus करते हैं, और ये mislead है actually उन लोगों के लिए। और जो लोग उस प्रोग्राम को कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान इसका होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको इसी बात को लेकर होगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग उनके अटेंशन को वो गेन कर लेंगे, उनका संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, और वो ऐसा कुछ कदम करते रहेंगे जिसका नुकसान उन लोगों को भी होगा, इनको भी होगा, और आसपास के लोगों को भी होगा। यस, सो आई गेस कि हाँ, वो पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, लास्ट हाँ, सवाल है मेरा। जरूर। वो सवाल ये है कि जैसे एक आपने रे ऑफ होप की बात करी, एक आपने पॉजिटिविटी की बात करी कि और इन सब का अगर जो भी सारे फैक्टर्स हैं इनको हम मिला लें, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस इज योर्स। ये सवाल थोड़ा सा वेग हो सकता है, शायद आपको हंसी भी आए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल आर गिविंग देयर
जितना भी वो दे सकते हैं ठीक है एंड एंड उसके बाद भी दे आर नॉट सक्सीडिंग समवेयर सो डू यू थिंक दैट इसमें कहीं पे लक या भाग्य का भी रोल होता है नहीं फर्स्ट थिंग इज कि जब कभी भी लक की बात होती है सो आई लव टू यू नो टेल यू अबाउट लक होता क्या है एंड वी शुड बिलीव सभी बिलीव करते हैं अगर कोई बोल रहा है कि वो लक पे बिलीव नहीं करता है तो वो झूठ बोल रहा है बिलीव भी वो झूठ बोल रहा है कि वो लक पे बिलीव नहीं करता है सब लक पे बिलीव करते हैं बट द साइंस बिहाइंड बिलीव बिहाइंड लक इज डिफरेंट वो समझना पड़ेगा और जब आप समझ लोगे देन यू विल बी आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे इस चीज़ को समझने के बाद एंड यू विल बी लाइक लाफिंग अरे अच्छा ये मामला है सो जो लक है ना वो एक साइंटिफिक तरीके से आप उसको समझो कि लक बाहर के सिचुएशन को यूनियन करते हैं ना तब बनता है आपका एफर्ट आपने लगाया आवाज कट गया ओके आपका जो लक है जिसको आप लक बोलते हो अपना वो बाहर की दुनिया पे डिपेंड करता है आपका लक आप पे डिपेंड नहीं करता बाहर की दुनिया पे डिपेंड करता है वहाँ के सिचुएशन पे डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है उस टाइम के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है और टाइमिंग पे डिपेंड करता है आपका लक अच्छा नहीं है इसका मतलब सिचुएशन अच्छा नहीं था इसलिए रिजल्ट सही नहीं आया कंडीशन सही नहीं था इसलिए रिजल्ट सही नहीं आया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ ना कुछ तो गलत हुआ इसलिए रिजल्ट नहीं आया एंड जिसको आपने लक बोला ये मैकेनिज्म एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लक आपका लक सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता आपके आसपास के सोसाइटी को जब आप मिलाते हो सबको एक जगह इकट्ठा करते हो उन सारे फैक्टर्स को यूनियन में लेके आते हो यूनियन इन सेंस सबको एक सेट के अंदर में डालते हो इसको भी लिया इसको भी लिया सारे फैक्टर्स को एक जगह इकट्ठा करते हो उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज कॉल्ड लक दैट यू कैन नॉट ईजिली कंट्रोल इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन आप 10 लोग फॉर एग्जाम्पल एक कबड्डी मैच है दो टीमें खेल रही है टीम ए टीम बी टीम ए का लक टीम बी पे डिपेंड करता है टीम बी का लक टीम ए पे डिपेंड करता है ठीक है समझ गया यस सो दैट्स व्हाई सो ये कोई सुपरफिशियल ये कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है बट ये समझने की चीज है अब ये बात है अगर टीम ए ने टीम बी के साथ सात गांठ कर लिया है तो लक अच्छा है अच्छा मुझे एक एक जो छोटी सी बात और मैं कहूँ जो मुझे लग रही है वो ये कि वो ये कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम अंग्रेजी वाले लक की बात कर रहे हैं ठीक है और मैं हिंदी वाले भाग्य का सवाल था मेरा मुझे मुझे लगता है कि लोग इसको अलग अलग तरह से देखते हैं लक को एक अलग तरह से देखते हैं और भाग्य को एक अलग तरह से देखते हैं मुझे लगता है शायद नहीं आपका सोचना बिल्कुल सही है इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे पर मेरा जो जवाब है वो दोनों लक के लिए बराबर है अच्छा। वो इसलिए हाँ मैं जस्टिफाई कर दूंगा इसको वो इसलिए कि जो हिंदी वाला लक है भाग्य है वो एक्सप्लेन किया जाता है आपके सितारों के आधार पर आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और ये जो ग्रह नक्षत्र है वो बाहर की दुनिया में है आपसे बाहर की दुनिया में है और वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा भाग्य उन लोगों पे डिपेंड करता है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो और अगर आपका लक उस सितारों पे डिपेंड करता है तो जिनकी वजह से आपका काम खराब हुआ है उनका भी लक उन सितारों पे डिपेंड करता है सो दिस इज द कनेक्शन ये आदमी आपके लक को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है दैट्स इट सो अल्टीमेट अगर साइंटिफिकली आप बोलो आप प्रत्यक्ष की बात अगर सिर्फ करें प्रमाण में तो प्रत्यक्ष के हिसाब से देखा जाए तो जो आदमी काम आपका खराब कर रहा है उसी को तो आप दोषी मानोगे ना किसी के द्वारा खराया जा रहा है इसका प्रूफ आपके पास अभी नहीं है तो जो कर रहा है उसको दोषी मानोगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग द सेम थिंग चाहे अगर इंग्लिश की बात करोगे तो मैं इनको बोलूंगा हिंदी की बात करोगे तो इनसे हुआ उसकी वजह से मैं उसको बोलूंगा पर आप पे डिपेंड नहीं करता है ये अल्टीमेट इसका ट्रूथ है वो आपकी बाहर की दुनिया पे डिपेंड करता है इसीलिए आपकी बाहर की दुनिया को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है हम हमेशा अपनी अपनी बात करते रहते हैं इसी वजह से हमारा लक हमेशा खराब होता है हम सबकी बात करेंगे हम सबकी बात करेंगे तो लक अच्छा होगा जैसे आप किसी गाँव में जाओ वहां पे आपने देखा कि कुआं में पानी नहीं है लोग प्यासे आते हैं इधर उधर मांगते हैं पीते हैं और चले जाते हैं आप भी आए आपने भी देखा प्यासे आए इधर उधर गए आपने आपके पास भी वही ऑप्शन था आप जाओ दो तीन गेट खटखटाओ आपको पानी मिलेगा लेकिन कुआं में पानी नहीं
आपने देखा इसकी वजह से सबको नुकसान है, इन बेचारों को भी पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता होगा, आता है कोई पीता है तो मन से पिलाते भी नहीं होंगे कि हम इतने दूर से लेके आए और आपको पिलाए। आपने कहा एक काम करते हैं, सारे गाँव के साथ बैठते हैं, इस कुएं को ठीक कर देते हैं। समस्या आपने आसपास के बारे में सोचा, एक बात उस समय तो आपको पानी मिल गया, दूसरी बात जीवन भर के लिए उन लोगों को वहां से पानी मिल गया, आपने एक समस्या का समाधान किया। आप वहां से तो चले गए, जो लोग पीछे से आ रहे थे उन लोगों के लिए बहुत इजी हो गया, वो पानी भी वहां से पी रहे हैं और अपने साथ लेके भी आ रहे हैं। रास्ते में आपको प्यास लगा, उन बेचारों के पास पानी था, उन्होंने आपको दे दिया क्योंकि उनको पता था कि भाई हम पानी हमारे पास बहुत है, इजीली हमको मिल गया था। आपने अपना अलग खुद बनाया है। नाइस नाइस, ये बड़ा अच्छा था ये। यस, तो ये वास्तविकता है और लोगों को विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग तारों ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में समझते हैं कि कुछ सुपरफिशियल है जिसका इफेक्ट एक प्रकाश के रूप में मेरे ऊपर होता है, अचानक से रात में सोते हुए और सुबह उठते हुए मेरा सब कुछ बिगड़ जाता है। दिस इज नॉट ट्रू। वास्तव में आपके कर्मों के आधार पर ही वो सारे इफेक्ट हो जाते हैं। आपने एक ऐसे पर्सन से दुश्मनी मोल ली जिसके साथ आपको कल काम होने वाला था, छोटे से गुस्से के चक्कर में अब आपका लक खराब हो गया, आपने खुद ही किया अपना लक खराब। सही बात है। तो ये होता है और ये असर होता है डेफिनेटली। उन ग्रहों नक्षत्रों का असर आपके ऊपर इसलिए होता है क्योंकि वो असर आप कराना चाहते हैं। यहाँ पे फैक्टर है, फैक्टर ये है कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक इंजेक्शन नहीं लगाया जाए। इफ यू आर गेटिंग इंजेक्टेड बाय एनीथिंग दैट मींस यू अप्रूव्ड इट। तो ग्रह नक्षत्र भी बोलते हैं कि महाशय आदेश चाहिए आपसे, आपके ऊपर हमारी दृष्टि चाहिए, आपके आपके ऊपर डालनी है, तो आप कहते हो बिल्कुल आपका स्वागत है और इसका असर आपको दिखता है। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जब अपने आसपास के इफेक्ट के बारे में नहीं सोचते हो, आप ये नहीं देखते आपकी वजह से किसी और को नुकसान या फायदा होगा या फिर आप किसी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, जब आप ये सोचते नहीं हो तो ये सोच वहां तक जाता है और वो कहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर हमारा जो प्रभाव है वो बाकी लोगों के द्वारा आराम से बनाया जा सकता है। अगर आपके सभी मित्र हो तो कोई आपका नुकसान नहीं करेगा, तो ग्रह को कोई नया आदमी ढूंढ के लाना पड़ेगा ना आपका नुकसान कराने के लिए। वेरी सिंपल। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली जनरेटिंग, लाइक वो इसीलिए कहते हैं कि हम अपने आसपास में ही अपनी दुनिया ऐसे गढ़ रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं। इट इज अस, वी आर ओनली द पर्सन हु इज मेकिंग आवर वर्ल्ड फिट। कहते ना लोगों को बोलता ना, दिस इज लाइक यार पूरा कचरा है ये, तूने बनाया भाई अपने चारों तरफ कचरा। हाँ, अगर कॉन्शियस हो जाओ, कचरा बनाना बंद कर दो। मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा है इसका अनुभव है इस बात को लेके। मतलब नॉर्मली वैसे एज के मामले में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब तो 25-26 साल का हूँ अभी, लेकिन कई बार मुझे ऐसे मतलब लोगों के रिव्यूज आए हैं और मैं इस शेयर अगर आप लोगों से कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अब चाहे तो कहानी के रूप में किसी को बताऊँ वरना डायरेक्टली बोल देता। तो लोग का ये कहना है कि मतलब उनको मेरे साथ अपनत्व का बहुत भावना रहता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पैम्पर करता हूँ उनको, बहुत प्यार देता हूँ, चाहे लाइक लड़के रहें लड़कियाँ रहें उनको इज्जत सम्मान और प्यार देता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि मैं नहीं देता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर देम। हो सकता है मुझसे मिस्टेक होता होगा क्योंकि 100% नहीं, बट कुछ मुझे ऐसे आए हैं जिसमें वैसे मतलब मेरी अपनी कोई बहन नहीं है पर बोल पर मेरे पास बहुत बहनें हैं, मतलब यस यही नहीं अलग कंट्री में भी है और लोग विश भी करते हैं और बहुत अच्छे से हैं और मैं उनको प्यार से स्वीट हार्ट बच्चा ये कुछ भी बोलता हूँ, बट वो जो दिल है मतलब वो जो भावना है वहाँ पे बस इतना ही रहता है कि हाँ एक बच्चे को जिस निगाह से देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, जितना पैम्पर करते हैं उतना पैम्पर करते हैं, तो उसका इफेक्ट इतना बेहतर होता है। मैं अभी आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप भी करते होंगे, तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। और मैं अभी क्योंकि हम यूथ है ना, हम जैसे बातें करते हैं कई बार हम लोग को देखते हैं लोग इस तरीके से सोचने लगता है ऐसा क्यों बोल रहा है ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी भावनाएँ अच्छी हैं, आप आसपास में प्रेम प्यार लुटा रहे हैं लोगों को दे रहे हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव आप लोगों में पड़ेगा। और इससे ये हो गया कि मेरे कनेक्शन इतने लोगों के पास में हो गया कि अगर मुझे कभी कोई ज़रूरत पड़ता है मेरे स्टेटस से लोगों को पता चल जाता है, देख लेते हैं, मुझे लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई कर देते हैं, हेल्प हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। और टू बी फ्रैंक मैं कभी स्ट्रेस मतलब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता और मुझे मज़ा आता है।
अगर मुझे लगता है कि मुझे काम नहीं करना है, चाहे कितना बड़ा भी काम रहे, हाथ जोड़ के मैं साइड में रहता हूँ, मैं गेम भी खेल लेता हूँ, मूवी भी देख लेता हूँ, जो भी करना है, बट ये कि लाइफ बहुत पीसफुल है इसकी वजह से। तो आपकी हमारी जो आसपास की दुनिया है उसको हमें खुद ही गढ़ना पड़ता है, और आज का आपका इन्वेस्टमेंट कल का आपका रिजल्ट देगा। सो दिस इज द राइट टाइम, इन्वेस्ट सराउंडिंग यू, अपने आसपास में जितना बेहतर इन्वेस्ट कर सकते हो करो, लोगों के साथ सहयोग और सहायता के साथ रहना जरूरी है, एंड दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। आप जितना ज्यादा लोगों के क्लोज रहोगे, उनको जितना सुनोगे, उतना आपका दिमाग, आपकी मैच्योरिटी विकसित हो जाएगी, और आप बहुत इजीली अपने लिए भी बेहतर दुनिया बन सकते। जो आदमी कहते हैं कि जो आदमी 10 लोगों के लिए अच्छा काम कर सकता है, क्या वो अपने लिए नहीं कर सकता? मेरी कैपेसिटी 10 लोगों को अच्छा बनाने का है, 10 लोगों के लिए अच्छा करने का है, तो मैं तो खुद भी खुद अपने लिए करूंगा तो कितना कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट यू विल गेट ओवर योर ऑल द एक्शंस, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ डेवलपिंग योरसेल्फ। फर्स्ट वन इज यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल जोन टू डेवलप योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हो। द सेकंड वन इज द डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लीडरशिप, मोर देन योर फेस रिकॉग्निशन और कोई भी नंबर्स। द थर्ड वन इज लाइक इंफॉर्मेशन, द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन द इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन क्या मिला, इससे ज्यादा वे ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। यस। और उसके बाद आपको गट्स और कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, और इसमें भी सबसे बेहतर ये कि आपको अपने अंदर अगर लीडरशिप डेवलप करना है तो आपको संघर्ष में जाना पड़ेगा। सो आई रियली रियली अप्रिशिएट जीवेस, लाइक ये कन्वर्सेशन मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, इनलाइटिंग था, एंड लाइक आई रियली एंजॉय दिस, एंड आई होप मेरे भी मजा आएगा, बहुत कुछ सीखा मुझे, और मतलब काफी सारी चीजें हैं जो हम देखते रहते हैं लेकिन उन पे ध्यान नहीं देते, वो चीजें मुझे काफी सारी सीखने को मिली, और तमाम तरह की चीजें और भी थी जो सबकॉन्शियसली जो मैंने नहीं पूछी लेकिन मैंने आपसे पूछ ली, उन चीजों की मुझे लिटरली एक तरह से कहते जरूरत थी सुनने की किसी और से, तो वो सारी चीजें भी मुझे सुनने को मिली। इट वाज लाइक रियली एनलाइटनिंग सेशन फॉर मी, तो थैंक यू सो मच, मेरे को ऐसे लग रहा है आई एम बैक टू लाइफ। That's really good. That's really good. मतलब like आज का पूरा सेशन का जो एजेंडा है that's solved for me. Yes. Amazing session. Thank you, Pierre. Thank you so much. Most welcome. Thank you so much, everyone. And we'll post this video on YouTube, Facebook, जहाँ कहीं भी रहेगा. I hope it will you know helpful for you. A comment में आप करके बताना आपको कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा. And if you have any question, you must ask. क्योंकि पूछने से पता चलता है, अदरवाइज आंसर आधे अधूरे रहेंगे और आपको लगेगा कि आप भूल गए हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी ट्रू, एंड यू ऑल आर लीडर्स मैन गाइस, सो यू डोंट थिंक कि आपको लीडर की जरूरत है, आपको लीडरशिप की जरूरत है। यू डोंट नीड लीडर, यू नीड लीडरशिप, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम यू। और कोई भी आपको अगर लीड कर रहा है, बेहतर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो यू शुड सपोर्ट देम एज वेल, बिकॉज उस पार्ट के लिए वो बेहतर काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोसाइटी एंड how we generate, we create the leader. Everyone is a leader here. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bill.